नमस्कार, मैं डॉक्टर मनीष कुमार पाठक MBSC एनिमल न्यूट्रिशन। आज आपको पशुओं में ड्राई पीरियड या शुष्क काल के महत्व को बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि ये शुष्क काल या ड्राई पीरियड कितने दिनों का होना चाहिए। तो ये जो शुष्क काल या ड्राई पीरियड होता है ये 60 दिन का होना चाहिए। अब हमें पशु को ड्राई करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है उसके संबंध में मैं आपको कुछ जानकारी दूंगा। तो सबसे पहला जो कारण होगा पशुओं को ड्राई करने का वह ये होता है कि जो भी दूध स्रावित जो अंग होते हैं उनको आराम की जरूरत होती है। दूसरा जो कारण होगा वह ये होगा कि जो भी पोषक तत्व हम पशु को दे रहे हैं और वह पोषक तत्व पशु अपने दूध के प्रत्येक बूंद से निकाल रहा है, अगर हम ऐसे ही दूध उससे लेते रहेंगे तो जो गर्भाशय में पल रहा जो बच्चा है उसको पोषक तत्व की जो जरूरत है वह नहीं मिल पाती है। इसलिए हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए कि इस शुष्क काल में जो भी पोषक तत्व हम पशु को दे रहे हैं वह उसके गर्भ में पल रहे जो है बच्चे को मिलना चाहिए। तीसरा जो कारण होगा पशु को ड्राई करने का वह ये होता है कि पशु जब दूध निकालता है तो उस दूध के साथ जो भी पोषक तत्व निकल रहे होते हैं तो पशु में खनिज की कमी हो जाती है, तो उस खनिज की भरपाई करने के लिए भी इस शुष्क काल की जरूरत पड़ती है। चौथा जो कारण होगा वो ये है कि पशु को अपने शरीर को बनाए रखना भी पड़ेगा, जिसको हम बॉडी कंडीशन स्कोर या BCS कहते हैं। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जब कभी भी ब्याध होता है तो उसमें करीब करीब 0.5 से 1% जो है पशु का जो शरीर है वो टूट जाता है। पांचवा जो कारण होगा पशु को ड्राई करने का वो ये है कि हमें अधिक से अधिक दूध पशु से ब्याध पश्चात लेना है उसके जेनेटिक पोटेंशियल के अनुसार। छठा जो कारण होगा जो ड्राई करने के लिए वह है हमें पशु को जल्दी से जल्दी ब्याध के पश्चात उसके पीक पर ले आना है कि वह पशु अधिक से अधिक दूध हमें दे सके और लंबे समय तक हमें दूध दे सके। और जो आखिरी कारण होगा वह ये है उपापचय विकार से रोकथाम। उपापचय विकार या मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जैसे कि मिल्क फीवर या किटोसिस जैसी कुछ बीमारियां जो पशु को ब्याध पश्चात हो जाती हैं, अगर हमें इनसे रोकथाम करना है तो हमें पशु को 60 दिन का ड्राई पीरियड देना पड़ेगा। इसलिए मेरी आप पशुपालकों से गुजारिश है कि आप अपने पशुओं को 60 दिन का जो है शुष्क काल या ड्राई पीरियड जरूर दीजिए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे एक अच्छे जेनेटिक पोटेंशियल की जो गाय है उससे हम जो अपेक्षा कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा दूध लेने का हर ब्याध में वो हम नहीं ले पाएंगे। धन्यवाद।